नमस्कार, उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कानपुर नगर निगम में नगर आयुक्त का पद आईएएस लेवल का होता है, लेकिन यदि नगर आयुक्त दो का पद सृजित कर किसी चपरासी लेवल के कर्मचारी को बैठा दिया जाए और उससे वही कार्य लिया जाए जो नगर आयुक्त का होता है, तो क्या यह संभव हो सकता है? अब आप ये सोच रहे होंगे ये कैसे संभव है, तो आपको बता दें कानपुर में यह सब खुलेआम हो रहा है। आप उसके लिए ये रिपोर्ट देखिए। कानपुर नगर निगम जिसका मुखिया एक आईएएस लेवल का अधिकारी होता है और मेयर उफ महापौर नगर निगम सदन की अध्यक्ष होती हैं, उसी नगर निगम में उन्हीं के नाक के नीचे खुलेआम बड़े पैमाने पर मदमस्त खेल खेला जा रहा है। दरअसल कानपुर नगर निगम के अंतर्गत 6 जोन आते हैं और इन 6 जोनों में से 7 राजस्व निरीक्षण के पद पर हैं, जिसमें राजस्व निरीक्षक आरआई तैनात हैं। पर उत्तर प्रदेश शासन की गाइडलाइंस के विरुद्ध अपनी मनमर्जी से कानपुर नगर निगम के अधिकारियों ने राजस्व निरीक्षक 2 नामक पद का सृजन कर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनाती दे दी गई है। राजस्व निरीक्षक 2 के पद पर तैनाती के बाद अब ये भी चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी केंद्रीय सेवा आयोग द्वारा चयनित राजस्व निरीक्षक के समान पद पर बैठकर उनके समान अधिकृत कार्य कर रहे हैं। वही ये लोग अब असेसमेंट दाखिल और खारिज करना, गृह का बढ़ाना घटाना आदि जैसे अति महत्वपूर्ण कार्य अपनी कलम और मोहर के साथ निष्पादित कर आम जनता के साथ खुलेआम शराबा कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये खेल कोई अभी शुरू हुआ हो, बल्कि सालों से ये खेल बदस्तूर जारी है और कानपुर नगर निगम के सर्वोच्च पद पर बैठे अधिकारी अनजान बने बैठे हुए हैं। वहीं जब इस मामले में मेयर प्रमिला पांडे से बात की गई तो उनका कहना है कि मुझे कार्यभार संभाले 3 साल हो चुके हैं, पर अब तक किसी ने इस मामले की शिकायत नहीं की है। ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है और यदि ऐसा हो रहा है तो मुझे अपनी गलती मानने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मैं नगर आयुक्त को आदेशित करूंगी कि अब हमें बड़ा दुर्भाग्य है, हमें खुदी जानकारी नहीं है, तो हम अपनी गलती को स्वीकार करने कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे नहीं जानकारी ऐसा ही रुख कर रहे हैं। तो अब कभी 4-3.5 साल हो गया जिसने शिकायत की बात किसी मीडिया ने किसी ने, तो अब मैं उनको अपनी इंजियत को बुला करके इसकी जानकारी, फिर मैं नगर आयुक्त को आगे आना करूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब वो बताएं, अब या तो अभी तक जो हुआ हुआ आगे बताएंगे से ना, जो गलतियाँ हैं गलतियाँ सुधारी जाए उद्देश्य से। मेयर के बाद जब नगर आयुक्त कानपुर नगर निगम से भी इस मामले में पूछा गया तो उन्होंने ये बोल का पल्ला झाड़ लिया कि आपके द्वारा मेरे संज्ञान में ये प्रकरण लाया गया है और मैं मामले की जांच कराकर कार्रवाई करूंगा। ये मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है, इसको हम अधीनस्थ अधिकारियों से रिपोर्ट मांगेंगे और जो भी नियमानुसार होगा उसके हम कार्रवाई करेंगे। जैसा मैंने कहा कि इसमें हम अधीनस्थ अधिकारियों से इस पे जांच कराएंगे और उनके रिपोर्ट जैसे आएगा उस पे हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और वहीं जब उन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से इस मामले में बात की गई जो कि राजस्व निरीक्षक 2 के पद पर तैनात हैं, तो उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है सुनिए। विनोद जी, आपका मूल पद क्या है, किस मूल पद में आपकी तैनाती हुई? हम लोगों का नया मॉडल का पद है, हम लोग राजस्व विभाग का कार्य देखते हैं। वर्तमान में किस पद पर तैनात है? नया मॉडल। नगर निगम ने कौन सा कार्यभार आपको? बोल तो रहे हैं, राजस्व का काम हम लोग को दिया गया है करने के लिए। इस पद पे क्या क्या काम करते हैं? इस पद पे हम लोग राजस्व की वसूली करते हैं और टैक्स वसूलते हैं, घर घर जाके पैसा वसूलते हैं और जिससे वसूल करके गृह कर जमा करते हैं। दाखिल खारिज का कार्य कौन करता है? दाखिल खारिज का काम हम लोग करते हैं। क्या आपको ये जानकारी है कि आरआई का जो पद होता है वो आयोग से चयन होता है? ये हमें पता है, लेकिन नगर आयुक्त के आदेश अनुसार हम लोग ये काम देख रहे हैं। देखिए, हमारा पद जो है सामाजिक कार्यकर्ता का पद है और मेरा विभाग परिवार कल्याण विभाग नगर निगम। सामाजिक कार्यकर्ता का पद होता है वो किस तरीके का पद होता है? ये हम लोग श्रेणी का पद होता है? नहीं, तो ये हम लोग जो है
हमारा जो परिवार कल्याण विभाग था, मैं उस पद पे मतलब जो है सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे यहाँ हॉस्पिटल नगर निगम के हॉस्पिटल है, तो नगर निगम में हॉस्पिटलों में थे पहले, वहाँ कार्य करते थे। तो हमारा विभाग जब डेड हो गया तो फिर हम लोग को यहाँ मर्ज कर दिया गया, मतलब कई लोग हैं सबको इधर उधर कर दिया गया, सभी जोनों में मर्ज कर दिया। अभी आप नगर निगम के कौन से पद पर तैनात हैं? अभी तो हम बस आरआई का पद देख, सेकंड आरआई का पद देख रहा हूँ। क्या क्या काम कर रहे हैं इस पद पर? जिससे हमारे यहाँ हाउस टैक्स है, असेसमेंट है, दाखिल खारिज है, ये सब कार्य होता है, हाउस से संबंधित यही सब कार्य हो रहा है। क्या आपको पता है आरआई की तैनाती कैसे होती है, आरआई का चयन कहाँ से होता है? भाई तो शासन स्तर से होता है, हम लोग तो आरआई मतलब देखो हम लोग आरआई सेकंड है, आरआई सेकंड बनाए गए हैं राजस्व विभाग का मतलब जो है, और उसके बाद फिर जो है हम लोग आरआई सेकंड के पद पर कार्य कर रहे हैं। जो आरआई फर्स्ट होते हैं उनको मतलब जो है मतलब शासन से होता है, उनका लोक सेवा आयोग से होता है। कौन आपको तैनाती किसने दी आरआई सेकंड? तो हम लोग जो प्रभारी अधिकारी जो चिकित्सा विभाग के थे, और इस समय जो अपर नगर आयुक्त थे उस 2018 में, उन्होंने ही मतलब किया था हम लोगों को। कौन से पद के मतलब जो नगर निगम के कौन से पद के अधिकारी हैं जो आपको आरआई सेकंड पर तैनात? और अरे जो अधिकारी मतलब अपन नगर आयुक्त जीती थे तो वर्तमान में कोई अधिकारी नहीं, उससे हैं हम लोग स्वर्ण सिंह अपन नगर आयुक्त का, अपन नगर आयुक्त स्वर्ण सिंह हैं, और जो है इनके राय साहब हैं और रोली गुप्ता जी मैडम हैं। हाँ भाई, जब लोग नहीं थे तब आप किसी से भी काम लेंगे और उसके बाद फिर आपको हैरेसमेंट करने लगे, तो ये तो गलत है ना, ये भी हमारे लिए भी तो गलत है चीज़ें। शासन हैरेसमेंट कर रहा है, कौन हैरेसमेंट कर रहा है? मैं एक किसी पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि आप जो सवाल आप कह रहे हैं कि लिया नहीं जा रहा है काम या लिया जा रहा है, गलत है, तो दोनों ही केसेज हैं, तो दोनों पक्ष सुनने चाहिए। ये माना जाए कि जो आयोग के थ्रू आरआईओ की भर्ती हुई है वो गलत है या मैं कौन होता हूँ किसी को गलत सही ठहराने वाला, आप बताएं। आप भी तो हरेसमेंट का आरोप लगाया। मैं किसी के ऊपर कोई आरोप क्यों लगाऊंगा भाई? आपने मुझसे पूछा, मैं किसी को सही गलत ठहराने वाला कोई नहीं होता। सर हैरेसमेंट तो कई तरह का, आप जैसे आप मुझसे इस तरह सवाल कर रहे हैं तो मैं इसे भी तो हैरेसमेंट एक तरह से कहा जा सकता है। हैरेसमेंट तो कई तरह के हो सकते हैं। मैं आप जैसे सवाल कर रहे हैं, मैं उसमें अगर किसी गलत उसमें जवाब दूं वो भी एक तरह का हैरेसमेंट है, वो तो कई तरह से हो सकता है। सर हम लोग भी आपका हैरेसमेंट करने आए हैं। सर अब जिस आप जो कह लें मैं तो उस चीज़ का कोई जवाब नहीं दे रहा। देखिए मैं मोरर मूल पद है राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनात हूं। कैसे आपकी नियुक्ति हुई थी, किस पद? मृतक आश्रित में नियुक्ति हुई थी मेरी। मेरे पिताजी बाबू थे, मुझे नायब मोरर का दिया गया पद। अब वो तो हमारे विभाग वाले हमारे अधिकारी हमसे राजस्व निरीक्षक का काम ले रहे हैं ना, मैं तो नायब मोरर के पद पे हूँ। क्या क्या काम करते हैं इस पद पे? टैक्स बढ़ाने का काम, टैक्स घटाने का काम, टैक्स वार्ड से वसूलना, दाखिल खारिज, असेसमेंट, जिस मकान का टैक्स नहीं आता उस मकान पे टैक्स लगाना, ये सब काम। इन सभी से बात करने के बाद जब राजस्व निरीक्षक संघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रशांत मिश्रा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप वो भी सुनिए। तो चार वर्ष से हम लोग आयोग से आए हुए हैं, अगर किसी भी उच्च श्रेणी के पद के ऊपर अगर कोई चपरासी बैठा दिया जाता है उसको चार वर्ष के, तो ये बहुत विकट, मतलब वो किस मनोदशा में उसके साथ में बैठ के काम करेगा? अगर ये स्थिति अगर सबके साथ में अगर हो, अगर उच्च अधिकारियों के साथ भी अगर किसी नीचे पोस्ट वाले साथ बैठा दिया जाए तो कार्य करने की क्षमता उसके पास आप जो कार्य करने की क्षमता वो भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम लोग तो उससे भी ज़्यादा मेहनत करके काम कर रहे हैं, और पिछले बार का जो हम लोग का जो वसूली का चार्ट अगर उठा के देखेंगे तो उससे हम लोगों ने कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने राजस्व की बढ़ोतरी नगर निगम को की है। और पिछले नगर आयुक्त साहब से इस सिलसिले पर हमने मेरी कई बार वार्ता हुई, क्योंकि मामला विफल इसलिए रहा क्योंकि उन लोगों के भी कुछ लोग जो है नेताओं और विधायक और मंत्रियों के साथ सबके संपर्क अच्छे रहते हैं, और जिसके कारण वो लोग अपना दबाव बना के अपनी कार्रवाई उसको खत्म नहीं हो पाती। वहीं राजस्व निरीक्षक संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री से भी इस मामले में बातचीत की गई। उनका कहना है कि राजस्व निरीक्षक के मूल पद पर अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों को तैनाती देना बिल्कुल भी उचित नहीं है।
कानपुर से न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए आशीष अवस्थी की रिपोर्ट। वहीं बरेली के शीशगढ़ निवासी एक युवती ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो वायरल कर अपने प्रेमी से शादी की मांग करते हुए अपने घर वालों और रिश्तेदारों से जान का खतरा बताया। वायरल वीडियो के अनुसार युवती ने नदीम नामक युवक से प्रेम का इजहार करते हुए उसी से निकाह करने की बात कही है। वायरल वीडियो में युवती कह रही है कि वह नदीम से बहुत प्यार करती है और नदीम भी उससे प्यार करता है, पर युवती के परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं है। नदीम का परिवार निकाह को तैयार है, पर युवती का परिवार निकाह के लिए तैयार नहीं है। वहीं अब युवती ने अपने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए प्रेमी से निकाह न होने पर आत्महत्या की धमकी देते हुए शीशगढ़ पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरा नाम सिफा है और मैं ये बयान पूरे फुल होश हवास में दे रही हूँ। मैं नदीम से प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार राजी नहीं है निकाह करने के लिए, और उसके घर वाले और वो राजी है निकाह करने के लिए। अगर मेरा निकाह उसके साथ नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कई बार मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की है, मेरे घर वालों ने रोक लिया और ये भी बोला था कि तेरी शादी उसके साथ कराएंगे, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि तुझे जान से मार देंगे लेकिन तेरा निकाह उस नदीम के साथ नहीं कराएंगे। और अगर मेरा निकाह नदीम के साथ नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और इस बार मुझे कोई नहीं बचा पाएगा और इसके जिम्मेदार मेरे रिश्तेदार होंगे। और थाना शीशगढ़ दरोगा से गुजारिश है कि मेरा निकाह नदीम के साथ कराएं और अगर नदीम के साथ मेरा निकाह नहीं हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कासगंज में बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन पर पुलिस ने कोविड 19 के नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की है। आपको बता दें कि बसपा के प्रबुद्ध सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन न होने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में बसपा के जिलाध्यक्ष राजकुमार जाटव सहित 3 अन्य लोगों के नाम हैं, जिन पर पुलिस ने महामारी अधिनियम सहित कई अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का आरोप है कि सम्मेलन के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया था। आपको बता दें बसपा के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा भी मौजूद थे। यह सम्मेलन सोमवार को पटियाली के SBR इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया था। बदायूं के शेखपुर निवासी एक दरोगा साहेब जो कि मुरादाबाद जिले में ही तैनात हैं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा शोएब एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद वजीरगंज थाना पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरैन गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं बाराबंकी में सहन की जमीन को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया है, जहां 3 व्यक्तियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पूरा मामला बाराबंकी के टिकैत नगर के लोधपुरवा गांव का है, जहां सहन की जमीन पर घूर गड्ढा लगाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए थे और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों की लापरवाही भी देखने को मिली है। यहां पहुंचे घायलों को अस्पताल में बेड तक नहीं मिल पाए, घायलों को जमीन पर लेट कर ही इलाज कराना पड़ा। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर से वारा के हसनपुर पालकी इलाके से सोशल मीडिया पर प्रधान की पिटाई का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सैकड़ों ग्रामीण प्रधान को घेर कर लाठी डंडों से प्रधान की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रधान का पड़ोस के ही एक युवती के घर में काफी आना जाना है, इसी के चलते ग्रामीणों ने प्रधान पर महिला के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाते हुए प्रधान की लाठी डंडों से पिटाई कर दी और प्रधान की पिटाई का वीडियो भी वायरल कर दिया। वहीं घायल प्रधान ने थाने में तहरीर दी है, जिसके आधार पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 2 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं मामला
एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पुलिस को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। हसनपुर पालकी गांव का है। मोनू प्रधान का अपने पड़ोसी के यहाँ आना जाना था। मोनू प्रधान और धीर सिंह में गहरी दोस्ती है। पड़ोसियों को कुछ इतराज था। 1/2 की रात में पड़ोसियों ने मारपिटाई कर दिया। इसके संबंध में वीडियो वायरल हुआ। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 की गिरफ्तारी शेष है, उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गाजीपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ाव शुरू होने से तटवर्ती इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। गंगा की लहरें काफी तेजी से बह रही हैं। जल आयोग के कर्मियों के अनुसार आज सुबह 6 बजे से ही इसकी रफ्तार 10 सेमी प्रति घंटे नोट की गई है, जो पिछले एक सप्ताह से 7 से 10 सेंटीमीटर की गति से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें, जलस्तर बढ़ने के साथ ही सदर तहसील के करंडा ब्लॉक के पुरैना, सोकनी, जैतपुरा समेत दर्जनों गांवों में कटान की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रामीण भयभीत हो गए हैं। गाजीपुर में जल आयोग के कर्मचारी हसनैन ने बताया कि कल शाम में गंगा का जलस्तर 8 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा था, लेकिन आज यह 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ रही है। फिलहाल गंगा के जलस्तर में 10 सेंटीमीटर की रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी को लेकर डीएम एमपी सिंह ने बताया कि गाजीपुर जिले में बाढ़ प्रभावित इलाकों में 220 गांव शुमार हैं, लेकिन गंगा अभी खतरे के निशान से काफी नीचे बह रही है। उन्होंने बताया कि जिन गांवों में खतरा ज्यादा है, वहां लगातार निगरानी की जा रही है और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से गांवों में बाढ़ चौकियां भी स्थापित कर दी गई हैं। देखें, इस समय जो है 10 सेंटीमीटर प्रति घंटा के हिसाब से नदी बढ़ रहा है। ये करीब करीब 6 बजे से बढ़ रहा है। कल की क्या स्थिति थी? कल भी इसी तरह से रेशियो से बढ़ रहा था, आज भी बढ़ रहा है इसी तरह से 10, 8, 7, 9 यही सब बढ़ रहा है। देखें, नदी तो बढ़ रहा है, अगर इसी तरह से बढ़ता रहेगा तो फिर खतरा ही है। हम हमारे जिले में अपनी पूरी राजस्व टीम के साथ और संबंधित पुलिस टीम के साथ लगातार सतर्क दृश्य बनाए हुए हैं और गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए गंगा के किनारे और जो बाढ़ प्रभावित प्रथम चरण में हमारे गांव आते हैं उन पर हम लोग बिल्कुल नजर रखे हुए वहां के लोगों से संपर्क में हैं। हमारा कंट्रोल रूम लगातार उनसे संपर्क बनाए हुआ है। हम अपने लगातार कर्मचारियों के माध्यम से वहां मौके पर भेज करके लोगों से ये बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। हालांकि अभी किसी गाँव में इस तरह की समस्या नहीं है, बाढ़ प्रभावित अभी हमारा कोई गाँव हुआ नहीं है, बट हम लोग सतर्क हैं, अलर्ट हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही किसी प्रकार की कोई समस्या आती है हमारी टीम तत्काल और सक्रिय हो जाएगी। सक्रिय तो है और भी सक्रिय हो जाएगी। मथुरा में देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के खिलाफ फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल रालोद जिला पंचायत सदस्य व अन्य रालोद पदाधिकारियों ने थाना राया में टिप्पणी करने वाले के खिलाफ तहरीर देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फेसबुक पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाला व्यक्ति बागपत का बताया जा रहा है। वहीं रालोद नेताओं का कहना है कि यदि 5 दिन में कार्रवाई नहीं की गई तो वह थाने का घेराव करेंगे। जनपद बागपत के यशपाल जी हैं और उन्होंने किसान गरीब मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री भारत सरकार के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे पूरे देश में जाति दंगा और भड़कने की पूरी आशंका है। और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव चौधरी रविंद्र नरवार जी, हमारे बाड़ी कत्ती से चुनाव लड़ चुके चौधरी जयवीर सिंह जी, किरण सिंह रावत जी, विश्वेंद्र सिंह जी छात्र सभा के ब्रजपान अध्यक्ष जी, हमारे मीडिया प्रभारी कटेला से मनोज शर्मा जी, हम सभी लोगों ने माननीय इनको हमारे उमा गुरुदेव जो सभासद जी हैं और एसएसआई शिव कुमार साहब को हमने, सोनलाल वाल्मीकि साहब पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी है, कई राष्ट्रीय लोकदल के हमारे नेतागण हैं, इन सब लोगों ने मांग की है कि यदि 5 दिन के अंदर उस व्यक्ति के खिलाफ FIR नहीं होगी तो हम यहाँ थाने का घेराव करेंगे और आगामी रणनीति अपनाई जाएगी।
मेरठ में हर रोज हो रही बारिश के चलते शहर के कई हिस्सों में सड़कों पर पानी भरा हुआ है तो कई इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में नगर निगम के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। लिसाड़ी गेट के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव के चलते लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बारिश के चलते हापुड़ अड्डे से लिसाड़ी रोड, भूमिया पुल, समर गार्डन और ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पानी भरा हुआ है तो वहीं गंगानगर में मवाना रोड पर भी यही हाल है। मवाना रोड पर पानी के निकासी का ना तो कोई इंतजाम है और ना ही कोई व्यवस्था है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति बरकरार है। वहीं सड़क पर पानी भरने के चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में लोकदल और सपा नेताओं ने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ नगर निगम के खिलाफ लिसाड़ी रोड पर जमकर हंगामा किया। साथ ही सड़क के गड्ढों व जलभराव को लेकर जमकर नारेबाजी भी की गई। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम से 2 दिन के अंदर सड़क पर पंचिंग कार्य कराने की मांग की है और चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 2 दिनों में काम शुरू नहीं हुआ तो वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सपा नेता का कहना है कि दक्षिण विधानसभा की हालत मलिन बस्तियों की तरह हो गई है। नगर निगम के अधिकारी बिना टेंडर के ही ठेकेदारों से अपने दफ्तरों व घरों में निर्माण कार्य करा रहे हैं। वहीं जब हमारे संवाददाता ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछा कि इस इलाके की हालत पिछले काफी वर्षों से खस्ता हाल है तो उन्होंने अपनी सरकार में इस इलाके का विकास क्यों नहीं कराया, जिस पर नेताओं ने क्या जवाब दिया, आप ये संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। मानसून आया हुआ है लेकिन इस मानसून ने अगर बात की जाए मेरठ की तो मेरठ जिला प्रशासन से लेकर नगर निगम तक की पोल खोल दी है। जगह जगह का हालात बद से बदतर है। इलाकों में पानी भरा हुआ है, निकासी की व्यवस्था नहीं है, नाले चौक हुए हैं, यहाँ तक कि नालों के अंदर डूबकर बच्चों की भी मौत मेरठ में हो रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेरठ के लिसाड़ी रोड पर। आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरीके के हालात बने हुए हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे हालात बद से बदतर हैं, जल भराव पूरी तरीके से हो चुका है। ये जल जमा होने की समस्या यही है कि यहाँ कोई पानी की निकासी नहीं है, रोड टूटे हुए हैं, रोड गड्ढों में है या कह सकते हैं गड्ढे पूरे रोड में बन चुके हैं। हालांकि यहाँ जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसको लेकर के लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं लेकिन आज तक भी इन हालातों को देखने के लिए जिला प्रशासन ने कोशिश नहीं की है। हालांकि इससे पूर्व में भी अन्य विपक्षी दल धरने पर बैठ चुके हैं, भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं लेकिन अभी तक हालात नहीं सुधरे हैं। एक बार फिर यहाँ पर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी प्रदर्शन करने पहुंचा है। मेरे साथ तमाम लोग जुड़ेंगे, स्थानीय भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हालात कब तक बने रहेंगे और ये इस तरीके के हालात जो बने हुए हैं ये किस तरीके से विरोध करेंगे और कैसे इन जन समस्याओं को दूर कराएंगे। मेरे साथ पवन गुर्जर है और मेरे साथ जो लोकदल के फुरकान अलवी है, दोनों नेता मेरे साथ हैं और स्थानीय भी सबसे पूछूंगा। मेरे साथ जरा पास यहाँ आइए, जरा ये बताइए आप ये प्रदर्शन करने पहुँचे हैं, किसने आपको बताया कि हालात ऐसे हैं? देखिए ये हालात सालों से यहाँ बने हुए हैं और दक्षिण विधानसभा की हालत तो बद से बदतर है। अगर आप इस विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्र की बात करोगे तो आप पूर्वांचल के ऐसे ज़िलों में चले जाओ जहाँ 20 वर्षों पुराना स्थल है, मतलब 20 वर्ष पीछे हैं वो हमसे, वहाँ भी ऐसे हालात नहीं हैं। पूर्व में भी मैं नूरनगर पुलिया से लेकर के सरस्वती लोक तक के नाला निर्माण के लिए धरने पर बैठा हूँ, उसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया है लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आज फिर हम लोग दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के भूमिया पुल से लेकर लिसाड़ी गांव तक जो सड़क है वो पूरी तरह से जलमग्न है और आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं, रिक्शा पलटती रहती हैं, दुर्घटना होती रहती हैं, हाथों में बच्चों के प्लास्टर हैं। आज हम इस चीज़ को लेकर के यहां विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। आपने विरोध किया है, आप ये बताइए, आप यहाँ सामने रहते हैं, लोकदल से आज जनप्रतिनिधि भी हैं, ये समस्या कब से बनी हुई है? ये बहुत काफ़ी दिन से है, कई सालों से ये समस्या का है और इसमें अभी आप ईद वाले दिन मैंने वीडियो भी डीएम साहब को और नगर आयुक्त साहब को इनको सबको दिए, 2 बच्चों का हार्ट टूटा है ई रिक्शा गिरने से, वो वीडियो हमने सेंड कर दी गई है। कोई भी कानूनी मतलब कानून इतना सो चुका है कि उसको जगाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कुंभकर्ण की नींद के तहत नगर निगम सोया हुआ है, ये क्षेत्र को देख रहा नहीं है। मथुरा में अवैध रूप से चल रहे ऑटो पर कार्रवाई करते हुए मथुरा ट्रैफिक पुलिस ने 40 गैर परमिट ऑटो सीज कर दिए हैं। वहीं पता चला कि ग्रामीण परमिट होने के बावजूद ऑटो चालक शहरी क्षेत्रों में ऑटो चलाते थे जिससे शहरी क्षेत्र में अत्यधिक संख्या में ऑटो चल रहे हैं जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं था। इसी के चलते एसपी ट्रैफिक कमल किशोर द्वारा कार्रवाई करते हुए मथुरा सिविल लाइन स्थित पुलिस लाइन के सामने चेकिंग अभियान चलाया गया जिसके तहत 40 ऑटो सीज किए गए व डग्गामार ट्रैक्टरों के भी चालान काटे गए।
वहीं जहां चेकिंग से एक और ऑटो चालकों में कोहराम मच गया, तो वहीं एसपी ट्रैफिक ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।